சுதாமை பர்வ சமர்த்த பர்வ சமர்த்த பதுப்பாவனி பதுப்பாவனி அஹே துகி கிருபாதே அஹே துகி கிருபாதே துகீ பிராணியோ கே ஹிருதயே துகீ பிராணியோ கே ஹிருதயே த்யாக கா பல் த்யாக கா பல் ஏவம் ஏவம் துகீ பிராணியோ கே ஹிருதயே துகீ பிராணியோ கே ஹிருதயே சேவா கா பல் சேவா கா பல் பிரதான் கரே பிரதான் கரே ஜிஸ் சேவே ஜிஸ் சேவே சுக துக கே சுக துக கே बंधन से बंधन से मुक्त हो मुक्त हो आपके आपके पवित्र प्रेम का पवित्र प्रेम का आस्वादन कर आस्वादन कर संतुष्ट हो जाए संतुष्ट हो जाए जितना छोटा हो यह हम हो यह मतलब हो सकता है और जो हमसे बहुत छोटा है क्या उसका नाम भगवान हो सकता है ये तो मैंने जब जमीन में कहा करता हूँ कि भैया तुम क्यों परेशान होते हो भगवान को तो हमसे और आपसे भी नहीं पड़ेगा क्यों तो जिसे भगवान कार्य में आएगा जिसे हम खोलेंगे हम क्यों तो हमसे तो जिसे भगवान हो जाएगा जिसके साथ जाकर भगवान मिलेगा और रहेगा अगर ईश्वर को मिलना होगा तो जीव से मिलना होगा आप सब मान लो ईश्वर से खोलने के लिए दूसरा ईश्वर नहीं होगा ये हो सकता है तो जीव ईश्वर को विमुख होकर दूसरे जीव के साथ खेल सके या ध्यान दीजिए ये हो सकता है उनके साथ होता है लेकिन ईश्वर ने मुझे कमजोरी समझो कि ईश्वर जीव के अतिरिक्त किसी और के साथ खेल नहीं सकता किसी और के साथ रह नहीं सकता उसे और कोई साथी नहीं मिल सकता ये है आर्थिक दर्शन इसलिए मेरे भाई मानव जीवन बड़ी महत्व का जीवन है आप जीव होकर प्रभु को रस दे सकते हैं व्यक्ति होकर समाज को प्रसन्नता दे सकते हैं इसमें समाज के संबंध संदेह की बात नहीं है किंतु कब जब आप ये सोचें कि हमें व्यक्ति होकर समाज को देना है समाज को लेना नहीं है लेकिन आप सोचें तो व्यक्ति होकर हमें समाज को लेना है सब मानवता समाज मानवता समाज मानवता वहीं से आरंभ होती है कि जहां लेने की बात ही नहीं आती और केवल देने में देने की बात आती तो भाई मेरे मानवता का अर्थ है देना क्या देना क्या देना जो है वो सब मेरे कुछ अपने लिए नहीं अपने लिए जब तक मालूम होता है तो चाहिए तब तक तो मानवता का आरंभ नहीं हुआ आज क्या कारण है कि ईश्वरवादी का मन ईश्वर में नहीं लगा आज क्या कारण है कि अध्यात्मवादी के मन का नाश नहीं हुआ ये आज क्या कारण है कि भौतिकवादी का जीवन दुष्ट प्रेम से कल्पना नहीं हुआ केवल एक यही कारण है कि हम ये सोचने लगे भौतिकवाद की दृष्टि से सोचने लगे कि जगत से कुछ मिलने वाली चीज है अध्यात्मवाद की जिसे सोचने लगे कि भविष्य में कुछ होने वाली चीज है और आस्तिकवाद की जिसे सोचने लगे कि प्रभु से कुछ लेना है ये मानवता नहीं है मानवता ने हमें बताया कि भाई जगत से हमें कुछ भी नहीं लेना है जगत की धरोहर जो हमारे पास है वो प्यार पूर्वक आदर पूर्वक नम्रता के साथ भेंट कर देना है ये तो हमारे और जगत के बीच की बात है और भाई जब हमारे और जगत के बीच की बात निर्णय हो जाती है वहीं से देखिए भौतिक दर्शन की जहां पराकाष्ठा है अध्यात्म दर्शन का वहां आरंभ है आप कहेंगे कैसे भौतिक दर्शन की पराकाष्ठा क्या है मिली हुई वस्तु मिली हुई सामर्थ्य मिली हुई योग्यता को भेंट कर देना किसको जिसको मिली है उसको तो भाई जो कुछ मिला था वो तो भेंट कर दिया फिर क्या होगा अकेले रह गए जब भेंट करने के बाद भेंट करता रहेगा नहीं तो ये जो अकेले रह जाने में जो रस है ये
इसी रस का नाम स्वाधीनता है, इसी रस का नाम अमरत्व है और यही अध्यात्म दर्शन है, यही अध्यात्म दर्शन है। किंतु जिसे स्वाधीनता में भी संतोष नहीं होता, उसके लिए आस्तिक दर्शन है। और आस्तिक दर्शन का अर्थ क्या है? आस्तिक दर्शन का अर्थ क्या है कि सुने हुए प्रभु अभिचल श्रद्धा, इसके अतिरिक्त और आस्तिकता कुछ नहीं, जाने हुए में नहीं, प्रमाण से जो शुद्ध है उसमें नहीं। क्यों? क्यों कि जाने हुए में श्रद्धा की जरूरत ही नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती? कि अगर जाना हुआ असत्य है तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी, और यदि जाना हुआ सत्य है तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो निवृत्ति और प्राप्ति में श्रद्धा का कोई स्थान नहीं है। तो श्रद्धा किसमें होती है? जो किसी प्रमाण से शुद्ध हो, जिसके लिए कोई साक्षी हो रहे नहीं, कोई प्रमाण जिसके लिए हो अथवा न हो, कोई साक्षी जिसके लिए हो अथवा न हो, तो बिना ही प्रमाण से, बिना ही साक्षी से यदि हम सुने हुए में श्रद्धा कर लेते हो, इसका नाम होता आस्था करी। आस्था क्या है? जो जिसमें आस्था भी आस्था है, फिर उसमें आस्था करनी कि प्रभु हुए कहाँ हुए कैसे हुए तुम्हें मिले, तुम्हें हम नहीं जानते कहाँ है कैसे हो, पर हम ये मानते हैं। क्यों मानते हो? ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। तुम क्यों मानते हो? पर मानते हैं। बोले देखो, अगर तुम प्रभु को न मानो तो अभी तुम्हारी सदगति हो जाए, और अगर मानोगे तो दुर्गति होगी। बोले प्रभु को मान करके दुर्गति हमें अवश्य है, और प्रभु को न मान करके हमें सदगति अवश्य है। ये क्या है? आस्तिकता है। आस्तिकता बोले भाई, तो प्रभु के मानने मात्र से तुम्हारा क्या काम करेगा? बोले भाई, प्रभु के मानने मात्र से हमारे सब काम पूरे हो गए। क्यों? क्यों पूरे हो गए? इसलिए पूरे हो गए कि जब हमने प्रभु की सत्ता को मान लिया है, तो ये नियम है कि जिसकी सत्ता स्वीकार कर ली जाती है उसमें विश्वास हो जाता है, और जिसमें विश्वास हो जाता है उससे संबंध हो जाता है, और जिससे संबंध हो जाता है उसकी मधुर स्मृति उदय होती है, और जिसकी स्मृति उदय होती है वो स्मृति उसको रख देती है जिसकी वो स्मृति है। क्या सोचा मेरे भाई? जब तुम्हारे जीवन से प्रभु को रखने लगा, अपने क्या लेना बाकी है? अपने क्या लेना बाकी है? लेकिन आपकी दशा क्या है? आपकी दशा क्या है कि ईश्वर बात का उपयोग होता है मोक्ष में और भोग में, मोक्ष में और भोग में। जो प्रभु को मानेंगे तो सुख सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और प्रभु को मानेंगे तो हमारी उनकी कृपा से कामना पूरी हो जाएगी। तो ये जो भोगवाद और मोक्षवाद क्या इंकर भाग है, ये विचार करो। तो मानवता की दृष्टि अगर हम सोचते हैं तब ये मालूम होता है कि अगर हमने प्रभु की सत्ता स्वीकार की है तो प्रभु को रख देने के लिए, और अगर अपनी सत्ता स्वीकार की है तो स्वाधीन रहने के लिए, और इस जगत की सत्ता स्वीकार की है तो सेवा करने के लिए। ये क्या है? ये मानवता। इस मानवता के बिना क्या आर्थिकवादी का आर्थिकवादी की जो आर्थिकता है वो जीवन हो सकती है? इस मानवता के बिना जो अध्यात्मवादी का अध्यात्म है वो जीवन हो सकता है? इस मानवता के बिना जो भौतिकवादी का भौतिकता है क्या वो जीवन हो सकती है? कदा नहीं हो सकती। इसीलिए ये निर्वाह सिद्ध हो जाता है कि मानवता में पूर्णता निहित है। क्यों का मेरा तात्पर्य यह था कि वो मानवता जो कि हम सबको प्राप्त है, जो जिसका हमारे राष्ट्र जीवन से विभाजन हो नहीं सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, किस भाई और किस बहन के जीवन में भाव शक्ति नहीं?
किस भाई और किस बहन के जीवन में विवेक शक्ति नहीं है, किस भाई और किस बहन के जीवन में क्रिया शक्ति नहीं है। जब आपके पास क्रिया शक्ति है, जब आपके पास विवेक शक्ति है, जब आपके पास भाव शक्ति है, तो भाव शक्ति के द्वारा क्या हम त्रिवेणी में आत्मा का नहीं कर सकते? विवेक शक्ति के द्वारा क्या हम असंग नहीं हो सकते? और क्रिया शक्ति के द्वारा क्या हम वर्तमान का सदुपयोग नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। इसलिए करना और सही करना, इसलिए करना और सही करना, इन दोनों का फल एक है। अगर आप ये कहते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो सरकार बुराई भी नहीं कर सकते। और कोई कहे कि हम बुराई कर सकते हैं, भलाई नहीं कर सकते, तो ये कहना ऐसे होगा कि हम बुराई करना चाहते हो, भलाई नहीं करना चाहते। तो आप जब हम नहीं करना चाहते, तब उसका ये तो नहीं होता हम नहीं कर सकते। इसलिए भाई, क्रिया शक्ति के सदुपयोग के द्वारा हम प्रकृति का सदुपयोग कर सकते हैं, और विवेक शक्ति के द्वारा वर्तमान में प्रत्येक भावी प्रत्येक नहीं मुक्त हो सकते हैं। मरने के बाद नहीं, धीरे धीरे नहीं, चिंतन के बाद नहीं, ध्यान भावना के बाद नहीं, अभी अभी। और भाव शक्ति के द्वारा प्रवृत्ति आत्मीयता प्राप्त हो सकती है। आप कहेंगे कि प्रवृत्ति आत्मीयता हमें प्राप्त हुई, प्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुआ। अरे मेरे भाई, प्रवृत्ति तो कभी अप्राप्त था ही नहीं, प्रभु कभी अप्राप्त नहीं था, प्रवृत्ति आत्मीयता ही अप्राप्त थी। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वरवाद की दृष्टि से क्या कोई ईश्वरवादी ऐसा है जो ये मानो कि प्रभु से देश काल की दूरी है? मैं तो मैंने तो आपको सुना नहीं। अगर यहाँ जो लोग देखते हैं कोई ईश्वरवादी ऐसा है जो कहे कि हाँ ईश्वर देश काल की दूरी है, तो उनकी नीति के अनुसार मैं दूसरे बात मान लेता हूँ। इसलिए तो संदेह कोई विकल्प नहीं करता। क्यों? अरे देखो कौन झूठ बात से बोलते हो, मुझे नहीं कैसे तो तुम्हें क्या मेरा तात्पर्य है कि प्रभु अप्राप्त नहीं हुआ, चाहे वो मृतों को उसको अप्राप्त नहीं हुआ, सबको को उसको अप्राप्त नहीं हुआ, श्याम सुंदर के रूप में उसको अप्राप्त नहीं हुआ, राघवेंद्र के रूप में उसको अप्राप्त नहीं हुआ, सदाशिव के रूप में उसको अप्राप्त नहीं हुआ, शक्ति के रूप में उसको अप्राप्त नहीं हुआ, चाहे जिस रूप में अप्राप्त नहीं हुआ, अरुण को उसको अप्राप्त नहीं हुआ, प्रभु आज तक किसी को अप्राप्त नहीं हुआ। तो अप्राप्त क्या हो गई कि आज उस प्रभु ने आस्तिकवादियों की आत्मीयता प्राप्त हो गई। और जब आत्मीयता प्राप्त हो गई तो प्रियता का जन्म कैसे हुए? प्रियता का जन्म कैसे हुए? बड़े बड़े ही आश्चर्य की बात हुई लगती है कि आज लोग प्रियता के लिए विश्वास को नापना को अभ्यास करना थे। तो अभ्यासी नाराज न हो जाए, दुखी न हो जाए, मुझे तो नहीं कहते अभ्यास कर दो। लेकिन एक बात आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रियता आत्मीयता की प्रियता आत्मीयता से उदित होती है या अभ्यास से? अगर अभ्यास से प्रियता उदित होती है तो अखंड हो सकती है, और आत्मीयता विश्वास से प्राप्त होती है या अभ्यास से? सभी को यह मानना होगा कि आत्मीयता प्राप्त होती है विश्वास से, अभ्यास से नहीं, और प्रियता उदय होती है आत्मीयता से, अभ्यास से नहीं। किंतु आज हम इस रहस्य पर विचार नहीं करते। और जो जो भोग प्राप्ति का कानून था कि जब कुछ करोगे तब कुछ मिलेगा, और जब कुछ करोगे तब कुछ मिलेगा, लेकिन सुनो बात नहीं रखो कि बाकी में जब कुछ करते हो तब कुछ मिलता है, लेकिन सुनने से जो कुछ मिलता है क्या वो अपने आप नहीं सुनता? जो सुनता नहीं है तो क्या तुमको ऐसा सुननी चाहिए जो अपने आप सुन लो? और ऐसा तुम्हें तो किसी को चाहिए नहीं। तो कौन का मेरा तात्पर्य है भाई, करने का जीवन में स्थान था केवल करने का राज बताने के लिए। करने का जीवन में स्थान है केवल करने का राज बताने के लिए। राग मिटाना किसी लिए? कि जो होना चाहिए उसको होने के लिए। करने का राग मिटाया जाता है जो होना
होना चाहिए तो क्या होने के लिए, तो क्या होना चाहिए कि प्रीत होना चाहिए, कि बोध होना चाहिए, कि लोग होना चाहिए, कि कर्तव्य होना चाहिए, होना चाहिए जो होना चाहिए उसके होने के लिए कर्मों के राग का नाश किया जाता है और कर्मों के राग का नाश करने के लिए कर्तव्य की बात कही जाती है। सही बात है, तात्पर्य क्या निकला कि कर्तव्य पालन कर्मों से राग मिटाने का साधन है। जैसे किसी पूछो भाई क्या कर्तव्य है, वक्ता का क्या कर्तव्य है, तुम मीठा बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो और श्रोता मैंने पूरी शक्ति लगाकर ईमानदारी से सुनो। तो ये जो सत्य बोलने की जो बात आई ये किसके लिए आई, ये झूठ बोलता है उसके लिए, तुमने कभी झूठ न बोला उसके लिए, क्या सोचो। अरे प्रिय बोलने की जो बात आई ये किसके लिए आई, जो सत्य बोलता है उसके लिए, जिसने कभी सत्य न बोला उसके लिए। हितकर बोलने की बात आई किसके लिए, जिसने अहितकर बोला हो। अरे दान देने की बात आई किसके लिए, जिसने संग्रह किया हो। मैं सोचता हूँ आपको, अरे जिसने संग्रह नहीं किया उसके सामने भी दान देने की बात आती है। अरे भैया जिसने पाप किया है उसे पराजित करना पड़ता है। हम झूठ बोले तो सत्य बोलना पड़ेगा, अगर हमने सच बोला है तो मगर बोलना पड़ेगा, अगर किसी का बुरा चाहा है तो भला चाहना पड़ेगा। कौन बनेगा तात्पर्य, ये जो कर्मों करने की बात कही जाती है ये तो गलत करने की आदत मिटाने के लिए कही जाती है, लेकिन जिस समय हम सही करने लगते हैं उसके दो फल बनते हैं सही करने के। एक फल तो ये बनता है कि सही करते ही सुंदर समाज का निर्माण होने लगता है, अपने आप ये पहचान है कर्तव्य की। इसी में हमेशा कहता हूं कि जिस देश में कर्तव्य में सुकाने रहते हैं, जिस जाति में कर्तव्य में सुकाने होते हैं, जिस समाज में कर्तव्य में सुकाने होते हैं, उस तो समाज को राष्ट्र की आवश्यकता नहीं होती, और जिस समाज को राष्ट्र की आवश्यकता होती है उस तो समाज में कर्तव्य में सुकाने का अभाव रहता है। आप कहेंगे बड़े आश्चर्य की बात, क्योंकि आपको कर्तव्य निष्ठ नहीं हो भाई, सलमान से मैं कर्तव्य निष्ठ होते तो राष्ट्रपति की आगे रोज बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप बल का दुरुपयोग न करें तो कृषि नहीं करोगी, अगर आप अपनी साठ वर्ष के लिए धन न दे रहे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोलना पड़ता। मैं आपसे पूछता हूँ, कभी नहीं खोलना पड़ता। तो जहाँ अकर्तव्य होता है वहां शासन आता है जीवन में, और जहां कर्तव्य होता है वहां शासन से मुक्ति मिलती है। आज हमारा कुटुंबी जनों से शासित, पड़ोसियों से शासित, राष्ट्र से शासित, धर्म कर्म से शासित, मतलब क्या अकर्तव्य अकर्तव्य अकर्तव्य। तो ये जो आज जीवन में स्वाधीनता नहीं है, क्यों नहीं करता जब तक अपने ऊपर कोई शासन न करो। ये पराधीनता केवल इसी जीवन में है कि हमें हमने कर्तव्य परायणता से नहीं अपनाया, अर्थात मिले हुए का सदुपयोग नहीं किया। तो जब तक हम मिले हुए का सदुपयोग नहीं करेंगे शासित रहेंगे, हमारे ऊपर दूसरों का शासन रहेगा नहीं मिल सकता। पद्धति बदल सकते हैं, शासन नहीं बदल सकते। चाहे रानी के पेट से राजा का प्रशासित होगा और चाहे चाहे प्रिया के पेट से निकले हुए प्रधानमंत्री से प्रशासित होगा, चाहे मजदूर के पेट से निकला हुआ सुखदी तुम पर शासन करे और चाहे सोधानी के पेट से निकला हुआ शोध तुम पर शासन करे। अरे भाई जब तक कर्तव्य परायणता नहीं होगी तब तक शासन से मुक्ति नहीं हो सकती, और जब तक शासन से मुक्ति नहीं होगी तब तक मानवता कैसी। क्या बोली मानव है जो पशु के द्वारा सेव कर लिया है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मतलब क्या, गलत करते हैं उसी में नहीं कर सकते, गलत रखते हैं उसी में नहीं रख सकते। तो भाई अकर्तव्य से रहते हुए हम पर दूसरों का शासन रहेगा, मुक्त नहीं सकता।
और कर्तव्य पालन करते ही हम शासन रहित हो जाएंगे तो क्या मन मुखी हो जाएंगे, क्या देवताओं के सदर से हो जाएंगे? तो नहीं, जो करना चाहिए जो करने लगेंगे और जो नहीं करना चाहिए उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। किसी का नाम है कर्तव्य मुक्त होना। जो नहीं करना चाहिए उसकी उत्पत्ति न हो और जो करना चाहिए वो कितने होने लगे। आप किसी भाई से पूछो कि दल का दुरुपयोग करना चाहिए कितने लोगों को बता सकते हैं? आप ये चाहते हैं कि जो दूसरे लोग दल का दुरुपयोग करें? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो चाहते तो बताओ। तो जब आप ये चाहते हो कि बल का देखो कोई न करे तो क्या हम किस होकर कोई न करे दिखाओगे कि हम करें दिखाओगे? अगर ये चाहते हो भाई तो तुम्हारी क्या भूति है। तो अगर ये चाहते हो न हम करें न कोई दूसरा करे बड़ी सच्ची चाह तो इसका इसका परिचय कैसे होगा, इसका प्रचार कैसे होगा? तुम इसके प्रचार का तरीका मानव सेवा से मुझे बताया कि भाई हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो मगर हमारा जीवन होगा और राजकीय होने आवश्यकता न होगी। तो बल का दुरुपयोग बलपूर्वक रोकने के लिए राष्ट्र का निर्माण हुआ और बल का दुरुपयोग नक्षापूर्वक न करने की बात बताने के लिए नगर कार्यक्रम हुआ। लेकिन आज राष्ट्रीय सफल और मजहबीय सफल क्यों भाई? मानवता नहीं थी। यदि मानवता हो तो राष्ट्र की राष्ट्रीय सफल हो जाए और यदि मानवता हो तो नगर भी सफल हो जाए। चाहे क्यों कह दो मेरा बीच की बात और चाहे कह दो कि अगर मानवता आ जाए तो न राष्ट्र की अपेक्षा रहे और न मजहब की अपेक्षा रहे। शिक्षा आपके लिए समझ देते भाई कि मैं किसी मजहब को मानता नहीं हूँ। मैं तो बड़ा खत्म मजहब हूँ लेकिन मैं मजहब को मानता हूँ साधन का प्रतीक। मैं मजहब को ये नहीं मानता हूँ तुम विवाद करो हमारा मजहब बहुत अच्छा है लेकिन खुद फिर हमारे जीवन से इसका कोई संबंध नहीं। तुम अपनी को नहीं मानते नास्तु को अनुभव को मानते हैं। अच्छा भैया ठीक आप किसी को मानते हो तुम चित्त लग गया मुझे सोचे नहीं लगा तो कौन नास्तु की दिया लेकिन बहुत बड़े तुम्हारा मगर बहुत ही छोटा है बोले क्या कि तुम आत्मा को तो नहीं मानते। अच्छा वो तुम मानते हो ना मनु के जैसे हो गया तो डर तो लगता है वो हो गया जो वो तो है कि तुम आत्मा को सत्य तुम मानते हो भाई नहीं मानते वो खुद हो हमारा साथ में है। आज हमारा मजहब हमारे जीवन से अलग दिखाई देता है। तो जो मजहब जीवन से अलग है क्या आप समझते हो आपका मजहब है? जो मजहब मजहब नहीं नहीं होता तो मजहब तो है पर आपका मजहब नहीं है। आपका मजहब वो हो सकता है जो आपके जीवन में है और वो मजहब सब जीवन में से निकलेगा कि जब हम मिले हुए का सदुपयोग करें। अगर हम मिले हुए का सदुपयोग नहीं कर सकते तो हम अपने मजहब को अपने जीवन से नहीं बता सकते और जब हम अपने मजहब को अपने जीवन से नहीं बता सकते तब क्या होगा? तब मजहब हो जाएगा संघर्ष का साधन और फिर उसकी प्रक्रिया क्या होगी तो सकोबर उसके तब क्या होगा आपकी दशा मजहबियों का दशा होगी धर्म विशेष। अरे मेरे भाई जब धर्म जीवन में नहीं था तो कभी हम नहीं थी तो कभी हम नहीं थी तो क्यों ना मेरा तात्पर्य है कि मानवता के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती सिद्धि नहीं मिल सकती जोड़ नहीं सकती कि मानवता ने हमें एक ही बात बताई और वो ही बताई कि मेरे हुए का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये बात बताई हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा जो होगा उनको नहीं होना चाहिए नहीं होगा जो होना चाहिए। और दूसरी बात क्या बताऊं कि हम विवेक का अनादर नहीं करेंगे। जब हम विवेक का अनादर नहीं करेंगे तो क्या होगा
बच्चों की वास्ता रहेगी, व्यक्तियों की वास्ता रहेगी, कामना रहेगी, विकार रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि विवेक का आप अनादर नहीं करते वे निर्विकार हो जाते हैं। और जब निर्विकारता जीवन में आ जाती है, जब निर्विकारता जीवन में आ जाती है, तब जो होना चाहिए वो सुख होने लगता है, जो मिलना चाहिए वो सुख मिल जाता है। इस दृष्टि से भाई बल के सदुपयोग में, विवेक के आदर में मानवता निहित है और मानवता में पूर्णता निहित है। इसके आगे की बात अब क्या व्याख्यान है, उसमें निवेदन करने की कोशिश करेंगे। होगा क्या प्रयोजन? मेरे नाथ आप अपनी प्रधानमयी सर्व समर्थ चतुष्पावनी अहेत की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल प्रेरण, दुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर सुख दुख हो जाए।